व्हाट इज़ अप गाइस, मैं हूँ एस के जे, आप देख रहे हो एस के जे वाइंस एंड प्रैंक। और आज हमारा व्लॉग होने वाला है, जर्नी कर रहा हूँ हावड़ा से पटना, लाइक विलेज जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट लाइक हावड़ा, जैसे बिलूर बाली है वैसे वहाँ का अलग अलग गाँव है, तो वहाँ जाएंगे और डिटेल में जाएंगे। डिलीवरी लाइन में कुछ काम चल रही थी जिस वजह से मेरा ट्रेन कोई भी निकाली है, और वो सुबह सुबह पता चल गया था कि मैं ट्रेन पर 1 बजे हावड़ा से और 8 बजे रात को मुझे पटना होता था 1:30 में, बट 2 घंटा लेट था। अब कुछ ऐसा है कि अगर 10:30 बजे उतारेगा पटना, बट अगर 10:30 बजे मैं उतरूँ तो ये होगा कि मेरा बस छूट जाएगा, मुझे रात में स्टे वहीं देना पड़ेगा। सो वो हम नहीं करेंगे, अपन उस पर सोच के कुछ हट के सोच रहे हैं कि बहुत सारे सिमिलर ट्रेन्स हैं जो जाते हैं दरभंगा तक सेम रूट से, तो जो सेम कॉमन रूट ये गाड़ी में और वो गाड़ियों में है वो है जैसे कि झाझा क्यूल ये सब। तो क्यूल जो है वो लास्ट लिंक कॉमन, लाइक मेरा टिकट है 550 किलोमीटर का पटना तक, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज कि क्यूल जो है वो 420 किलोमीटर पे है, तो मैं सोचा क्यूल चल जाऊँ और वहाँ से 4 घंटा वहाँ वेट करूँ, उसके बाद गंगा सागर आएगी उसमें बैठ के, और वहाँ गंगा सागर से 4 या 5 घंटा लगेगा मैं दरभंगा पहुँच जाऊँगा। बट फिर मैं सोचा 4 घंटा वेट इज ओके आइडिया, ठीक है वेट कर देते हैं, एटलीस्ट रात का स्टे से बेटर है। बट फिर मेरे को और एक आइडिया ये आया कि मंडे है, मंडे 30th of May नहीं चल रहा ना, हाँ नहीं चल रहा, ओके 30th of May, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसीडी उतरे, जैसीडी से 8 किलोमीटर दूर है देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम, लास्ट मंडे में गया था भूतनाथ, मैं कोशिश करूँगा इस मंडे में चल जाऊँ देवघर। और देवघर में क्या करेंगे, जाएंगे शाम पूरा वहाँ बैठेंगे, चिल करेंगे, प्रसाद लेंगे, कोशिश करेंगे बाबा के दर्शन करने की, अगर नहीं भी मिलता है दर्शन करके मंदिर पर बैठेंगे वहाँ पीछे रहता है भाई, बहुत ज़्यादा ही पीछे मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ बैठेंगे आधा एक घंटा उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो मे भी मैं 10-11 नहीं सादा बालू हम उतर चुके हैं जसीडी में, मेरा टिकट था पटना तक बट अपन उतर रहे हैं जसीडी में बिकॉज जाएंगे हम लोग देवघर, होप सो आते टाइम भी ट्रेन मिल जाए, ट्रेन के अंदर सीट मिल जाए, कोशिश करेंगे सीट लेने का, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है मिलेगा बट कोई नहीं, वुड ट्राई अ बेस्ट, ज़्यादा आने टाइम का फेयर नहीं होने वाला, 90 रुपये होने वाला है, सो चलते हैं। फिर ये फिर ट्रेन कुंभ एक्सप्रेस जो चलती है हावड़ा से लेके देहरादून तक एंड बीच में हरिद्वार भी। सो मेरी अभी एक बात हुई एक ऑटो वाले से, उनको लगा मैं उनके पास जाऊँगा लाइक उनका गाड़ी में, मैं पूछा एक आदमी का कितना भाड़ा है एंड लिटरली वो बोल दिया 120 रुपीज़, सो 120 बोले एक आदमी का पूरा रिजर्व, बट अगर आपको अकेले जाना है सो द फेयर वुड बी 20 रुपीज़, सो आई एम ट्राइंग 20 में मिल जाएगा आपको। सो अभी VIP चौक जो है देवघर का वो हमें क्रॉस किया है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं, होप सो 5-10 मिनट में पहुंच जाएं बिकॉज लेट तो हो रहा है भाई, लेट हो रहा है, अभी 8 बज चुका है और मुझे 10 बजे तक वापस आना है। गाइस हम उतर चुके हैं देवघर, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, सो स्टेशन से 20 रुपये लिया टिप वाले ने और हमें उतार दिया है देवघर। अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 8:03, अपने को क्या करना है, अपने पास 9 बजे तक का टाइम है, 9 बजे एनी हाउ हमें यहाँ से गाड़ी पकड़ के निकलना है स्टेशन की ओर,
तो अपने पास एक घंटा है, अपन इस पे जल्दी से चलते हैं देवघर, लाइक मंदिर, द रियल टेम्पल, एंड देन वहाँ से अपने को क्या करना, अपन चाहेंगे बैठेंगे। एक्चुअली दिस इज बट क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज लास्ट वीक मैं विजिट किया था भूतनाथ जो कोलकाता में, मंडे को था, उस बार शाम को किया था, और आज तो एक्चुअली प्लान ही नहीं था, मैं तो जा रहा था दरभंगा, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से आ गया। लिटरली फॉर मी इट्स सच क्रेजी एक्सपीरियंस कमिंग ओवर हियर एट फोर्थ टाइम। सो अपन ने देख लिया है 300 मीटर अवे फ्रॉम हियर, 4 मिनट वॉकिंग, सिंपल इजी पीजी, लेट्स गो। एंड पता नहीं साउंड क्वालिटी कैसा है, कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ देवघर, SKG, चौड। सो क्रेजी एक्सपीरियंस ये था, लास्ट वीक मैं भूतनाथ गया था, और इस वीक फॉर्चुनेटली ऑन मंडे हम आ चुके हैं देवघर। दिस इज लव प्लेस फॉर मी, इट्स बीन चौथा बार आना, पहले इसकी स्टोरी अच्छी है, लाइक फर्स्ट टाइम मैं जब आया था यहाँ पे, मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, सो वी हैव टू कीप दैट, वो जो कुछ बाल रहते हैं एक्स्ट्रा माथे के ऊपर, उसको जिसको ना टिक्की भी बोलते हैं। मेरे स्कूल में कुछ बंगाली फ्रेंड्स थे, बहुत ही छूटे टाइप के, वो टिक्की वाला बोलते थे, सो बचपन में मैं ऑफेंड हो गया था और ज़बरदस्ती कटवाना था, तो यहाँ आ गया था, सो यहीं आए थे कटवाने के लिए। लाइक कुछ पूजा वगैरह हुआ था, फिर काटा था पंडित कि मैं ब्राह्मण रहूँ। चलिए, सो यहाँ भी आए थे, सिमरिया एक जगह है गंगा, वहाँ पर बहुत अच्छा रिचुअल प्लेस। सो कुछ ऐसा ही है खेल, और मैं एक बार कावड़ लेके भी आया हूँ सुल्तानगंज से यहाँ पे। सो 105 किलोमीटर्स वॉकिंग, इट टुक 4 डेज, बट रो रो के भी पहुँच गए पैदल। बहुत ही नॉइज आ रहा है मुझे पता है, कोई बात नहीं। बीप 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 गाली नहीं दे रहा। सो उस टाइम भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा था, बिकॉज उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मैं कावड़ लेके जस्ट यहाँ एंटर किया था, और सुबह का टाइम था, और अष्टमी शायद था वो दिन, अष्टमी था, हाँ मुझे याद है अष्टमी था, एंड आई सॉ ब्यूटीफुल गर्ल्स, बहुत सारी क्रशेस बना लिया था मैं उस दिन, अष्टमी था, सब सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनी थी, और बहुत लोग झाड़ थे, सो सेम कास्ट। सो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ देवघर, सो बगल में एक मिठाई का दुकान था, वहीं पे मैंने चप्पल और बैग रख लिया है। द प्लेस, द होली प्लेस, ऑलवेज डाइट टू कम ओवर हियर, यस, ग्रेट फील, इट इज आवर देवघर। चौथा या पांचवा the crowd on Monday is fabulous. Just unmatched. So yahi main mandir hai sabji ka. Aur jo upar mein gathbandhan hua hai wo पार्वती जी का मंदिर से हुआ है। इस मंदिर के बारे में बहुत सी स्टोरियां हैं, स्टोरीज नहीं स्टोरियां हैं, बिकॉज जो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वो वन ऑफ द 12
कुछ और है इस टेम्पल के बारे में, जो अपने हिंदी मैथोलॉजी के जो इंजीनियर गॉड हैं लाइक विश्वकर्मा जी, ये मंदिर को उन्होंने बनाया था और वो भी एक रात में। सो दिस इज सम एक्चुअली लॉजिकल एंड ग्रेट माइंड ब्लोइंग फैक्ट। सो हमने टीका भी लगवा लिया, अब चलते हैं वापस, कुछ पेड़े ले लेते हैं प्रसाद, एंड विल अगेन हेड ऑन टू जेएसडी, एंड फ्रॉम देयर उसके बाद वहाँ से चलेंगे दरभंगा। सो द टेम्पल वॉज ब्यूटिफुल, बाहर से देखा, अंदर जा चुका हूँ बट इस पर नहीं जा पाया। So, मिलते हैं आपको स्टेशन। सो अपन लोग कर चुके हैं शॉपिंग, शॉपिंग मतलब जस्ट आ गए हम लोग, दर्शन कर लिया है, दैट्स इट, और कुछ चाहिए भी नहीं। तो अपन टावर चौक से आगे चल रहे हैं, आगे वाली मोड पर, टावर चौक पीछे रह गया, एंड कोशिश करते हैं जेसीडी पहुंचने की जल्द से जल्द, और फिर वहां से ट्रेन पकड़ के टू विलेज, जहां रियली में जाना था, देवगढ़ इज लाइक। मैं एक कंक्लूड कर सकता हूं यहां पे कि शायद धर्म के नाम पे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है छोटे छोटे सामान पे। एब्सोल्युटली फेयर इन दिस काइंड ऑफ प्लेस, बिकॉज यहां पे एक्चुअली एक दुकान खोलना भी इज लाइक अ बिग गोल। द रीज़न बिहाइंड इज टू मच क्राउडेड प्लेस, आदमी आते हैं कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं, एंड आई हैव टू से गाइस दैट सावन में तो भाई भीड़ रहती है, बाबा को जल चढ़ाने बहुत बंदे आते, बहुत ही बंदे। मुझे डोसा खाने का मन कर रहा था, पीछे होटल था सब बहुत टेस्टी बनाता, बट ट्रेन ना छूट जाए इसलिए नो मोर रिस्क, अपन कोशिश करते हैं एंड तक, होप सो मिल जाएगा।